नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर अचानक बस में चढ़ा एक शख्स गायब हो जाता है, जिसके बाद उसके ममेरे भाई ने पुलिस प्रशासन में जाकर के रिपोर्ट लिखाई। हालांकि अभी भी उसकी तलाश जारी है। आपको बता दें, इस शख्स का नाम है मोहम्मद सैफ और ये आजमगढ़ का रहने वाला है, जो प्रोफेशनली व्यापारी है, लेकिन वो दिल्ली किसी काम से आया था। जो FIR में ममेरे भाई की तरफ से लिखाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अक्षरधाम तक मोहम्मद सैफ बस में ही था, लेकिन कश्मीरी गेट पहुंचते पहुंचते बीच में से ही वो अचानक गायब हो गया। अब उसकी बूढ़ी माँ, जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो गुहार लगा रही हैं कि मेरा बेटा जहाँ पर भी है वो उनके पास वापस लौट आए और जो भी लोग इसमें मदद कर सकते हैं वो मदद करें। आपको सुनाते हैं कि उनकी माँ का क्या कहना है। पूरे घर सब परेशान है, मैं तो खुद बेहाल हूँ भैया। तू चले भैया, यहाँ हो भैया, चले आवा आवा, थोड़ा घर दुआर है ना, घर एकदम सुनना लागत है भैया, एकदम अंधेरा अंधेरा कुल नजर आओ। चले आओ भैया, भैया आवा भैया, भैया आज के दिन के दिन कदम होगा कुछ नहीं होता भैया। बाकी बाकी हो बता यार, तोरा भाई रहा ना, भाई तो तोरा खुद सहारा है मेरे से, बाप से ज्यादा बढ़ के बाप तो डरते लपड़ते, मगर भाई तो डरते लपड़ते नहीं, सहारा है भैया। चले आओ लाल, जहाँ हो जहाँ से चले आओ भैया, तोरे लड़का मन परेशान है, मैं परेशान हूँ, कोई दही थी की जौन है, बोली गई थी गाड़ी है भैया, मैं तुझे कैसे लड़कों कौन से देखी, मैं तो अपने को ले आ पा रहा हूँ ना बच्चा, जहाँ आओ तू चले आओ। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी बुजुर्ग माँ के बेटे को ढूंढने की मुहिम चल रही है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार नदीम अहमद शेख ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया और लोगों से इनके गुमशुदा होने की जानकारी साझा की, जिसके बाद जिस किसी को भी इनकी जानकारी मिले वो तुरंत ही संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा की पूरी एक जो लिस्ट है वो तैयार कर दी गई है, पूरा एक पर्चा बांट दिया गया है कि जहां पर भी जिस किसी को भी इस शख्स से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो वो कृपया करके नंबर दिया गया है उस पर सूचित करें। इसके अलावा आपको बता दें कि RJ साइमा की तरफ से भी मोहम्मद नदीम शेख के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा गया है कि इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए। दिल्ली पुलिस भी अपनी सारी कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द मोहम्मद सैफ को उनकी मां के पास पहुंचाया जा सके। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको मोहम्मद सैफ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।